अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आजकल अक्सर लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जो लोग बाहर से आते हैं और अपने साथ गिफ्ट के तौर पर किसी के लिए फ़ोन लेकर आते हैं, तो उसको रजिस्टर करवाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग बहुत इशू फेस करने पड़े हैं। उसका एक सिंपल और ईजी वे हम आपको बता देते हैं। आपने अपने फ़ोन का डायल पैड ओपन करना है और उसमें आपने डायल करना है *8484# और कॉल का बटन आपने प्रेस कर देना है। इसको करते ही आपके पास एक मेन्यू आ जाएगा, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, रजिस्टर मोबाइल डिवाइस, ट्रैक रजिस्ट्रेशन स्टेटस, डिलीट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट और मोबाइल डिवाइस काउंट, एंड उसमें 5 ऑप्शंस हैं बेसिकली। लेकिन हम चूँकि रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है जी यूज़र टाइप, आपने सिलेक्ट करनी है। तो हम चूँकि पाकिस्तानी है तो हम इसमें ऑप्शन 1 सिलेक्ट करेंगे, लोकल इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं, फॉरनर नहीं है। फिर सेंड का बटन दबा देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप फर्स्ट डिवाइस फ्री रजिस्टर करवा रहे हैं या उसके बाद जो 4 डिवाइसेस एक कैलेंडर ईयर में आपको अलाउड है वो, और हम फर्स्ट चूँकि करवा रहे हैं सेंड का बटन दबाएंगे। उसके बाद वो कह रहा है जी पासपोर्ट नंबर आप एंटर करें। तो पासपोर्ट नंबर है हमारा AC68011994। सेंड का बटन हम दबाएंगे। उसके बाद हमसे आईडी कार्ड नंबर मांग रहा है, वो एंटर करेंगे। आईडी कार्ड नंबर हमारे पास मौजूद है, वो एंटर करेंगे 1442199, और सेंड का बटन दबाएंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है सिंगल सिम फ़ोन है, डबल है, ट्रिपल है। हम सिंगल सिम फ़ोन चूँकि रजिस्टर कराना चाह रहे हैं 1 लिख कर सेंड कर देंगे। IMEI नंबर मांग रहा है, उसे हम पेस्ट करेंगे और सेंड का बटन दबा देंगे। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं डिटेल अगेंस्ट कस्टमर ट्रेवल, पाकिस्तानी है, पासपोर्ट नंबर ये है, SCNIC नंबर और EMI नंबर। टू प्रोसीड प्रेस 1, हम 1 लिख के प्रोसीड करेंगे। योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड टू PTA अपॉन प्रोसेसिंग, कन्फर्मेशन मैसेज विल बी सेंट, इन केस ऑफ एनी इशू प्लीज़ कॉन्टैक्ट PTA 0800 Penta 5। जी हमने रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है। अब वो जो PTA हमारा, जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का अदारा है, वो हमारी डिटेल्स को चेक करेगा, इसको गो थ्रू करेगा, और अगर उनको हमारी ये रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट वैलिड लगेगी तो वो इसको अप्रूव कर देंगे, हमारा फ़ोन रजिस्टर्ड हो जाएगा और हमें टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। अभी हम ओके प्रेस करते हैं। अभी इस वक्त एक टेक्स्ट मैसेज ऑलरेडी हमें आया है, इसी वक्त हम उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या है। अच्छा जी, अभी एक टेक्स्ट मैसेज आया है 8483 की तरफ से, और फ़िलहाल तो ये मैसेज ब्लैंक है, इसमें कोई टेक्स्ट शो अप नहीं हुआ है। तो अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने का हम वेट करेंगे, जैसे ही होगा आई एम श्योर हमें एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि बजाय इसके कि आप PTA की वेबसाइट पे जाएं और उस पर वो फॉर्म फिल वगैरह करें, और वो बहुत लंबा प्रोसीजर है और उसमें बहुत सारे बग्स हैं, उस तरीके से इसको करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ये जो तरीका हमने आपको बताया है ये बहुत ही आसान वे है, इसको यूज़ करते हुए आप आसानी से इस प्रोसीजर को कर सकते हैं।